वेलकम टू द स्टडी क्लब। द स्टडी क्लब में खुश आमदीद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम IR का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि द नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों 1933 में एक मोंटीवीडियो कन्वेंशन हुई जिसमें एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन किए गए। इसमें स्टेट को डिफाइन ऐसे किया गया, अ परमानेंट पॉपुलेशन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी having a sovereign body to run the affairs, that is government। दोस्तों ये universally accepted definition है और किसी nation के state कहलाने के लिए इन चार चीजों यानी कि permanent population जो कि एक मखसूस जगह पे रहती हो, जो कि defined हो, definite territory, उसके ऊपर कोई भी sovereign body हो यानी कि democratic हो या dictatorship हो, monarchy हो, सॉवरियन हो, और उसके ऊपर एक गवर्नमेंट हो, ये चार चीजें अगर किसी नेशन के अंदर हैं तो वो स्टेट है। लेकिन अगर इन चार चीजों में से कोई एक चीज भी उस नेशन के पास नहीं है तो वो स्टेट कहलाने के काबिल नहीं है। दोस्तों स्टेट की राइट्स और ड्यूटीज की बात करते हैं। स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके कुछ राइट्स होते हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, जिसमें स्टेट अपने शहरियों को कुछ सहूलियात मुहैया करती है। उन सहूलियात में हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, जस्टिस वगैरह शामिल हैं, और इन सहूलियात के बस स्टेट कुछ टैक्सेस इकट्ठे करती है। स्टेट डिमांड करती है कि आप उसके लॉज के साथ अडहेयर करें, उसके लॉज को रिस्पेक्ट करें, उनके लॉज को डिफाई मत करें, और स्टेट मिलिट्री सर्विस की डिमांड करती है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है, स्टेट अब जबरी भर्ती जिन्हें कॉन्स्ट्रिप्शन कहा जाता है वो नहीं करती, लेकिन मिलिट्री सर्विस रिक्वायर्ड है किसी भी नागानी आफत से बचने के लिए। दोस्तों पहले ये होता था कि आफात आती थी तो फिर एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जनरेट करता था। जैसे हमने कुछ अरसा पहले भी देखा कि हमारे मुल्क में जब जलजला आया 2005 का, तो एक नेशनलिज्म क्रिएट हो गई, एक कौमी जज्बा पैदा हो गया और लोगों ने गरीबों की बहुत मदद की, और वो जो सैलाब से आफत ज्यादा लोग थे या जलजले से आफत ज्यादा लोग थे उनकी बेपनाह माली इमदाद की। इससे नेशनलिज्म का जज्बा क्रिएट होता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इसी तरह नेशनलिज्म को भी मॉडरेट होना चाहिए। अगर नेशनलिज्म की बहुत एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाए तो फिर उसे शोविनिज्म कहते हैं और वो बैकफायर करता है, जो कि हमने इंडिया के केसेस में देखा। वहां पे RSS यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी एक तंजीम है जो कि हिंदुओं को बाकी कम्युनिटीज यानी कि माइनॉरिटीज जो पे वहां पे हैं, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, खुसूसन सिख हो गए, वो उनके साथ काफी प्रोसिक्यूशन करती है, काफी जुल्म करती है, और वहां पे कन्वर्जन्स वगैरह को बैन किया जाता है जो कि उनके अपने एक नेशनल प्राइड के अंदर एक बहुत ज्यादा हाईली एस्टीम्ड किस्म की एक नेशनलिज्म है जिसे हम शोविनिज्म कह सकते हैं। इसलिए नेशनलिज्म के जज्बे को भी एक हद तक होना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल तक होना चाहिए। और फिर हमने वर्ल्ड वॉर टू वगैरह के अंदर भी देखा कि एडोल्फ हिटलर को अपने जर्मन होने पे बहुत नाज था और वो ज्यूइश पीपल के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, जिसे हम ऑशविट्ज या होलोकॉस्ट वगैरह कहते हैं। और इसी चीज को देखा जाता है कि एक मखसूस हद तक नेशनलिज्म के जज्बे को भी उभारा जा सकता है, उससे आगे वो बैकफायर कर सकता है। दोस्तों स्टेट तब ही पॉसिबल है कि जब आपके अंदर एक कलेक्टिव प्राइड हो, एक नेशनल एप्टीट्यूड बिल्ट हो, एक इमोशनल एटीट्यूड बिल्ट हो, उसके अपने स्टेट के साथ एक अटैचमेंट बिल्ट हो। यानी कि अगर मैं कल को ये कहना शुरू कर दूं कि मैं पंजाबी हूं और कोई और कहना शुरू कर दे कि वो सिंधी है, कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई कश्मीरी है, तो फिर वो पैरोकियल एलिमेंट यानी कि वो इलाकाई एलिमेंट तो जो है वो तो बिल्ड होगा,
लेकिन जो नेशन की कॉज है यानी पाकिस्तानी होने पे फखर होना वो कम होता जाएगा बतदरीज। दोस्तों अब बात करते हैं नेशन की। तो नेशन एक कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि उनके अंदर कुछ यूनिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आदत हो की, इंटरेस्ट हो के, सोचने के अंदाज, लैंग्वेज एटसेट्रा, जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर रहते हैं। उनके कुछ पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। आमतौर पर नेशन और स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन आईआर के पर्सपेक्टिव में ये दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, यानी कि नेशन और स्टेट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। नेशन के पास कोई डेफिनेट टेरिटरी नहीं होती, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं होती, कोई सॉवरियन बॉडी नहीं होती और कोई गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन स्टेट के पास ये चीजें होती हैं। नेशन की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नेशंस हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपल नेशन के साथ कोई स्टेट नहीं हो सकती। एक नेशन के पास कोई मल्टीपल स्टेट्स भी नहीं हो सकती। नेशन कैसे बिल्ड होती है? नेशन बिल्ड होती है लोगों के यूनाइटेडनेस से। आप अपने आप को एक इज्तमाई लिहाज से तसव्वुर करते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं जर्मन हूँ। एक सेल्फ प्राइड बिल्ड होता है। एक साहब थे बेनेडिक्ट एंडरसन, वो कहते थे कि नेशन इमेजिनड कम्युनिटीज हैं। इमेजिनड इन अ सेंस कि आप अपनी कौम के अंदर हर एक फर्द से जाके फर्दन फर्दन कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। मतलब अगर एक बंदा अंदरून सिंध रहता है तो वो कभी पंजाब के जनूबी अजला में वो जाके वहां पे हर एक बंदे से नहीं मिलेगा या उसका कभी आमना सामना नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को इस कम्युनिटी का हिस्सा समझते हो। यही तासुर कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं आपको उस नेशन का हिस्सा बनाता है, और जब ये मजमुई तासुर बिल्ड होता है तो फिर एक नेशन बनती है। दोस्तों अब बात करते हैं नेशन स्टेट सिस्टम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईआर के पर्सपेक्टिव में, और अगर मुझे कोई कहे कि इसे एक जुमले में डिफाइन करो तो मैं कहूंगा कि वन स्टेट फॉर वन नेशन, यानी कि एक स्टेट एक नेशन के लिए एक स्टेट। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये 30 years वॉर एक यूरोप में हुई थी, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च और फैंस ऑफ हैब्सबर्ग, जिसको आगे जाके हम डिटेल में डिफाइन करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी के लिए बस इतना ही समझ लें कि एक 30 साल की जंग हुई थी, और उस जंग का इख्तिताम एक ट्रीटी के थ्रू हुआ था, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया या पीस ऑफ वेस्टफैलिया कहते हैं। उस पीस ऑफ वेस्टफैलिया के बाद कुछ नेशंस ने नेशंस क्रिएट हुई, जिनमें इंग्लैंड, डच, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी स्टेट्स उसके बाद पैदा हुई। इन्होंने कहा कि हम रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसको नहीं मानते, और एक सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। ये वो इब्तदा थी जब नेशन स्टेट सिस्टम यानी नेशंस की सॉवरेंटीज को एक्सेप्ट किया जाने लगा। ये दाई तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये है कॉमन सेंस। ये एक पंपलेट था जो कि 1775 में थॉमस पेन, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, राइटर थे, इनको इन्होंने इग्नीट भी किया अमेरिकन रेवोल्यूशन को। इस कॉमन सेंस के अंदर ये काफी सादा सी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था, बहुत प्लेन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था। हुआ कुछ यूं कि जब ये पंपलेट 1775 में आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कॉमन सेंस, या आपको शायद नजर ब्लर आ रहा हो, कॉमन सेंस एड्रेस टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। यानी उस वक्त अमेरिकन होने का एहसास किसी के अंदर नहीं था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बर्तानिया के जर तसल्लुत था, वहां पे बर्तानिया की कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी,
जिसको भी हम यूएस हिस्ट्री के लेक्चर में काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि जब अमेरिका अभी आजाद नहीं हुआ था तो अमेरिका की आजादी से पहले ये पंपलेट आया, जिसमें लोगों ने जब ये पढ़ा कि इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि हम लोग भी कोई लोग हैं, हम लोग भी कोई कौम है, उनके अंदर एक यूनिकनेस का एहसास पैदा हुआ। और वो उन्होंने जब ये पढ़ा कॉमन सेंस, जो कि बहुत प्लेन इंग्लिश में ही, अगर आप भी पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो ये अवेलेबल है, अगर आप इसे पढ़ें तो आपको लगेगा कि उनको पहली दफा ये एहसास हुआ, जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, कि हम भी एक कौम हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ वाकयात हुए, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जन्म दिया, उसके बाद अमेरिका आज़ाद हुआ बरतानवी तसल्लुत से। वहाँ पे डिफरेंट कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज ब्रिटिश की थी, स्पेन की भी थी, फ्रेंच की भी थी, लेकिन आखिरकार अमेरिका आज़ाद हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम की फीचर्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर है कि सॉवरेंटी ऑफ नेशन स्टेट, यानी किसी नेशन स्टेट की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट किया जाता है। किस तरह एक्सेप्ट किया जाता है? सॉवरेंटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेंटी की वो अपनी रेट ऑफ द स्टेट, यानी कि अपने लॉज को एक बाइंडिंग रख सकता है, वो अपनी रेट को एनफोर्स कर सकता है, अपने लॉज को अपने सिटीजन के ऊपर एनफोर्स कर सकता है। और एक्सटर्नल सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, आपके ऊपर जंग इम्पोज ना की जाए, और अगर आपके मफादात के खिलाफ कोई काम हो रहा हो तो आप किसी मुल्क के ऊपर जंग इम्पोज कर सकें। ये सॉवरेंटी का मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सॉवरेंटी का आगे बहुत बड़ा टॉपिक आएगा तो उसको इसके अंदर काफी डिफाइन किया जाएगा। नेशनलिज्म अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ने चाहेंगे, लेकिन नेशनलिज्म का थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि एक सेल्फ प्राइड जो क्रिएट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, कि हम अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, हम जर्मन हैं, और उसी नेशनलिज्म को आगे जाते हुए बहुत ज्यादा जब हो गया, जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया कि ये शोविनिज्म की तरफ चला जाता है, तो बहुत ज्यादा जब एक्सेस ऑफ नेशनलिज्म हो जाए तो वो शोविनिज्म हो जाता है, फिर वो वर्ल्ड वॉर टू होगी। उसकी बाकी भी बहुत सारी वजहें थी, लेकिन ये नेशनलिज्म भी एक उसकी वजह थी। तो नेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक मॉडरेट लेवल के ऊपर। सॉवरियन नेशन स्टेट के अंदर एक नेशनलिज्म मॉडरेट लेवल पे बिल्ड होता है, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है, और अगर मुझे मेरे पाकिस्तान को कोई खतरा हुआ तो मैं दिलो जान से इसकी हिफाजत करूंगा। ये एक नेशनलिज्म का जज्बा है और इसी को ही नेशनलिज्म कहते हैं। इसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल इम्परपियबिलिटी। इम्परमिएबिलिटी का मतलब होता है सरायत करना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के उस मुल्क की सरहदों का दिफा किया जाए, उस मुल्क की सरहदों का एहतराम किया जाए बैरूनी ममालिक के थ्रू, और वो अंदरूनी तौर पर मजबूत किया जाए कि वो अपनी मुल्की सरहदों का दिफा कर सके। लीगल इक्वालिटी, सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल नेशन स्टेट्स। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 मेंबर्स हैं, और वहां पे वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर नेशन, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो बरतानिया हो, उनका एक वोट है। जेरूसलम के वोट के ऊपर आपने देखा होगा कि 128 मुल्कों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ वोट दिया, और सिर्फ 9 मुल्क अमेरिका इकट्ठा कर सका जेरूसलम के वोट के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि हर मुल्क, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो उसकी सरहदें कितनी भी छोटी हैं, उसका रकबा कितना भी छोटा है, आबादी कितनी भी छोटी है, उसको एक वोट मिलेगा, उसको एक इक्वालिटी मिलेगी। ये है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों हमारे पाकिस्तान
का जो बुनियाद है वो एक बुनियाद टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि मुस्लिम्स और हिंदूस दो मुख्तलिफ अकवाम हैं। अकवाम की चाहे कोई भी डेफिनेशन की जाए, उस डेफिनेशन के थ्रू मुस्लिम्स अलग हैं, इसलिए मुसलमानों को एक अलग खित्ता ज़मीन मिलनी चाहिए उन इलाकों में जो मेजॉरिटी एरियाज हैं मुस्लिम्स के, और उन इलाकों में जो जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और हिंदू एक्सेस में हैं उनको हिंदू एरियाज क्रिएट किया जाए। इस टू नेशन थ्योरी पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया, और इसका क्रिटिसिज्म का मेयर बेसिक ये प्रिंसिपल ये था कि रिलीजन की बुनियाद पे कौमें तकसीम नहीं की जा सकती। ये इसको काफ़ी परपेट्रेट भी किया जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा हमारे लिबरल लोग और वो रोशन ख्याल जो अपने आप को कहते हैं वो लोग इसको काफ़ी परपेट्रेट करते हैं कि रिलीजन की बुनियाद पे आपने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया, आपने बहुत बड़ा जुल्म किया। तो दोस्तों ये भी एक 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 हद से तजावज करना है, इसे भी हम एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा रिलीजन है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इंटरडाइन नहीं कर सकते, मतलब हम लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, हम लोग इंटर मैरिज नहीं कर सकते, मतलब एक मुसलमान एक हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता। यहाँ पे तो ये है कि एक पंजाबी एक पठान के साथ, एक कश्मीरी एक सिंधी के साथ, एक बलोची एक पठान के साथ, और एक मकबूजा कश्मीर का इलाके का लड़का वो एक बलूचिस्तान की लड़की से भी शादी कर सकता है। मुसलमानों के अंदर ऐसी तफरीक मौजूद नहीं है, लेकिन एक मुसलमान एक हिंदू के साथ खाना भी नहीं खा सकता, एक मुसलमान एक हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये कैसी कौम होगी? और हम सेपरेशन ऑफ स्टेट और चर्च का जो कॉन्सेप्ट था हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते कि हम लोग दीन को मुकम्मल ही आउट कर दें एक कौम के पर्सपेक्टिव से, तो ये तो टोटली इस कॉन्सेप्ट को ही ख़राब कर देगा। जैसे इकबाल ने कहा था कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और अब जबकि ये यूएस स्टेट लॉ आ गया है जो कि जुलाई 2018 की बात है, जो कि अब 70-71 बरस के बाद आया है जबकि दुनिया लिबरलिज्म आइडियलिज्म के करीब आ रही है, और ज्यूइश स्टेट लॉ जिसमें वो हिब्रू यानी इब्रानी जबान को अपना अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे चुके हैं, और अपने इसराइल को एक मुकम्मल ज्यूइश स्टेट कह चुके हैं, अरबी को हटा के उन्होंने इब्रानी लगा दी, और वो एक अपने ज्यूस के पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा उभारना चाह रहे हैं, तो उनको तो किसी ने नहीं रोका, उनके ऊपर तो क्रिटिसिज्म नहीं आया, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं हुई। लेकिन इधर हमारी तरफ हमारे अपने ही लोग इस टू नेशन थ्योरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैक्सिका की मिसाल लेते हैं। मैक्सिका में जब स्पेन से उन्होंने आज़ादी हासिल की मैक्सिको ने, तो उनके पास कुछ कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते थे। उन्होंने ऑप्रेसिव लॉज यूज़ करते हुए उन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे उर्दू को इन्फोर्स करवाया, उन्होंने वहाँ पे अपनी मैक्सिकन लैंग्वेज को इम्पोज करवाया, उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ लॉज बनाए, स्कूलों के अंदर एजुकेशन दिलवाई गई, और एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। 100 साल लगे, सेंचुरी पूरी, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ और उनके अंदर एक यूनाइटेडनेस का एहसास आया। तो ठीक है, इस तरह के मामला होते रहते हैं, लेकिन स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम उन्हें ओवरकम करेंगे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एबोलिशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।